प्रेरित जी जिस सिस्टर का नाम लखबीर है और जो डिस्ट्रिक्ट मोगा के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे जब बता रहे कि आज से दो साल हो गए हैं, सबसे पहले जो बाहर जॉब करते थे और इनकी जॉब जो छूट गई थी, अभी जो 2 साल से फ्री इनके पास कोई भी काम नहीं था, पर जे बता रहे कि जैसे जो ऑनलाइन मीटिंग को देखते थे और जो काफी समय से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जो पॉजिटिव विश्वास करते थे कि परमेश्वर आप मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि इनकी जो इच्छा थी जो चाहते थे कि जो बाहर जाना चाहते थे, पर जो बता रहे कि वो काम नहीं था और आप पर आज से एक कुछ मंथ पहले जो बता रहे कि इनका मन भी खराब हो गया था कि कोई भी काम नहीं हो रहा, ना तो बाहर जाने का काम हो रहा ना है जहां पर कोई भी काम मिल रहा है, जिसके कारण जो थोड़ा परेशान हो गए थे, पर जो विश्वास तो कर रहे थे कि परमेश्वर आप मुझे काम दे चुके हो, पर जैसे इनका मन खराब होगा हुआ और जो बता रहे कि उसके बाद इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की और जैसे इनको उत्साहित भी किया गया और जब बता रहे कि उसके बाद इनकी बात प्रभु के दास के साथ हुई और जब बता रहे कि जैसे प्रभु के दास इनको टीच किया सिखाया कि जो परमेश्वर की इच्छा है सबसे पहले आप उसको समझो, क्योंकि परमेश्वर तो चाहते हैं कि आपको जो आप चाहते हो बाहर जाना तो परमेश्वर कर सकते हैं। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने उस दिन से उस वचन को विश्वास के साथ लिया और जो धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर जो भी आपकी इच्छा है वो आप मेरे जीवन में कर चुके हो, और जब बता रहे कि अभी परमेश्वर ने इनको जो बता रहे कि परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया है, अभी जो सिस्टर मारुति कार शोरूम में जॉब कर रहे हैं और जब बता रहे कि परमेश्वर ने इनके लिए इस रास्ते को खोला है, नहीं तो जो बहुत परेशान हो चुके थे 2 साल से कि इनके पास कोई काम नहीं है, और जब बता रहे कि परमेश्वर मुझे इस काम में और भी ब्लेस करे और जो परमेश्वर के लिए और भी अपने मन को भी खोलना चाहते हैं, इनकी जो चाहत है और इस गवाही के लिए जो धन्यवाद करते और आज ये परमेश्वर की गवाही को देने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए। तो ये सुनो एक चीज, ये पहले भी ये बच्ची सिंगापुर में थी और अब इसकी चाहत थी मैं उससे बड़ी कंट्री में जाऊं, किसी बड़ी कंट्री में। इसने वीजा भी लगाया पर काम हो नहीं रहा था, बोलो काम, और जिस कारण इसका मन कई चीजों में आगे पीछे हो रहा था। मैंने उत्साहित भी किया कि नहीं, परमेश्वर जानता है हमारे लिए सही क्या है, बोलो क्या है, जब उसकी इच्छा है। क्योंकि हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाहत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जानता नहीं, पर उसे पता है सही समय। हाँ, जैसे यूसुफ जब पोती पर हाँ उसके महल का क्या बन गया, यूसुफ उत्तराधिकारी बन गया, बोलो क्या, पर शैतान ने उसको वहां से क्या कराया, गिराया, और कहां पे लेकर चले गया, जेल में। शैतान उसे कहां से लेकर चले गया, क्योंकि उसकी ग्लोरी जो यूसुफ के अंदर परमेश्वर की ऊपर ग्लोरी आई मिश्र में भी जाकर, ये शैतान को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे वहां से गिराकर उसकी पत्नी पोतीपर की पत्नी से उसने सोचा मैं पाप कराऊंगा, पर उसने नहीं किया, जिसके कारण वो कहां पे चला गया, जेल में। पर वो 9 साल तक रहा, पर 9 साल तक के बाद जो ग्लोरी जो महिमा परमेश्वर ने उसे दी वो लाजवाब थी, क्योंकि वो ग्लोरी एक ऐसी ग्लोरी थी, ऐसी महिमा वो 9 सालों के अंदर जो उसने जेल में रहकर परमेश्वर के साथ अपने दिन बताए, वो एक दिन मिश्र देश का क्या बन गया, राजा बन गया। क्या बन गया, यूसुफ राजा बन गया। कभी कभी परमेश्वर जानता है, बोलो क्या है, कभी कभी परमेश्वर जानता है, जो हम सोचते हैं परमेश्वर उससे कुछ अलग सोचता है, बोलो क्या है, जो हम सोचते हैं ना, इसीलिए लिखा आपकी सोचें और जो परमेश्वर के विचार हैं उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, बोलो जमीन और आसमान का। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, कुछ और होता है। हाँ, ये नहीं है कि परमेश्वर से पूरा नहीं करता, करता है, पर परमेश्वर जानता है भला क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या, और वो सही समय पर सब कुछ करेगा, बोलो क्या, अगर वो समय नहीं आया तो परमेश्वर रोकेगा भी, बोलो क्या करेगा, वो रोक के रखेगा। इसलिए जिस चीजों के कारण इसका मन खराब हो रहा था, ना तो बाहर का काम बन रहा था ना यहाँ पर सही मन किया, और आज यहीं पे खुदा ने ब्लेस किया, एक मारुति एजेंसी शोरूम में इसे फिर से जॉब दी। क्या जॉब थी, किस चीज की जॉब है, सेल्स पर्सन की, सेल सेल पर्सन की, सेल पर्सन मतलब कारों को सेल करने की।
अब इन्हें जॉब मिली, कितनी सैलरी है? 12,000 12,000 से ब्लेस प्लस इंसेंटिव है, जैसे हम अमरुति शोरूम में 5 गाड़ियां बेचते हैं तो एक गाड़ी के पीछे 3,000 देंगे। और एक गाड़ी के पीछे 3,000, अगर महीने में 5 गाड़ी बिकी तो कितना हो गया? 15। हाँ yes. इतना हो गया ना, 5 + 15। और परमेश्वर यहाँ पे भी आपको बहुत फलवंत कर सकता है yes, क्योंकि sir. अगर परमेश्वर की इच्छा है यहाँ से ही हमें ब्लेस करने, तो ये ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन में जाएंगे, वो इंडिया में भी हमें बहुत ब्लेस कर सकता है। आमीन। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए अपना मन आगे पीछे ना करना, अपनी बुद्धि ना लगाना, मन खराब ना करना, ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा, हाँ मैं वहां पे क्यों नहीं गया। कभी कभी परमेश्वर की जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी सोच से लिखा वो कई गुना अधिक करना जानता, पर अगर हम मन खराब कर लेते हैं फिर ना आगे की आशीष मिलती ना जहां की, फिर दोनों से क्या रह जाते हैं, हाँ फिर दोनों ही यहां से भी गए और वहां से भी गए। इसलिए कभी भी परमेश्वर ने इसे लिखा अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। बोलो कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिसने आपको चुना है आपकी हर एक जरूरतों को, वो अगर वो यहां पे इंडिया में आपको रखकर ब्लेस करना चाहता है तो इंडिया में करेगा और बाहर से भी ज्यादा करेगा। अगर उसकी इच्छा है आपको बाहर जाकर ब्लेस करेगा तो बाहर लेकर जाएगा, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो। हमें नहीं पता हमने किसकी इच्छा में चलना है, बोलो किसकी इच्छा में चलना और किसकी इच्छा को पूरा करना। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद हमारी सोच से भी कई गुना अधिक हमें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। तारीफ करो जोर से। God bless you, परमेश्वर आपको और भी ज्यादा ब्लेस करे। हमें yes,